नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोज़ाना एक मॉक टेस्ट है वो सोल्व कर रहे हैं हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एसआई के एग्ज़ाम के लिए। तो वर्तमान में हमारी जो क्लासें हैं वो हरियाणा करंट जीके की चल रही हैं, जिसमें हम लगभग 50+ इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट जीके क्वेश्चन है वो करते हैं। तो इसमें मैंने लगभग आपके लिए 60 क्वेश्चन है वो ऐड किए हैं, और आज का जो हमारे मॉक टेस्ट होगा ये बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। तो इससे को इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और अच्छी तरह से ये क्वेश्चन है इनको रट लें। अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो अपने कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठे हैं और अपने नंबर है वो काउंट डाउन कर लें कि आपके नंबर कितने आते हैं। और जैसे आपका मॉक टेस्ट खत्म हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप कितने नंबर आए हैं। तो ये हमारी क्लास होगी, ये लगभग 30 मिनट के आसपास की होगी, ज़्यादा टाइम में आपका लूँगा नहीं। 30 मिनट में ही आपका क्या है, मैं ये फोर्सन करवा दूंगा। जो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। इससे पहले हमारे लगभग 26 क्लासें हो चुकी हैं, ये हमारा आज 27वीं क्लास है हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एसआई के लिए। इसके अलावा अगर आप एचएसएससी के किसी अन्य एग्जाम की, जैसे कि हरियाणा पुलिस का हो गया, हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक का हो गया, या फिर हरियाणा केनाल पटवारी का हो गया, पटवारी का हो गया, या फिर ग्रामीण ग्राम सचिव का हो गया, तो इन सभी के लिए भी क्या ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगाना चाहते हो, इनकी तैयारी करते हो, तो इनको ज़रूर लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने तीसरी बेटी पैदा होने पर उसके नाम पर कितने रुपए का बीमा करने की योजना शुरू की है। आपको बताना है कि हरियाणा सरकार ने तीसरी बेटी पैदा होने पर उसके नाम पर कितने रुपयों का बीमा करने की योजना शुरू की है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी 21,000 रुपये हैं वो उसके बीमा करने की योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना कि हरियाणा में वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है कौन सा लॉन्च किया है वो किया है ऑप्शन नंबर सी, मैच एंड कैच ऐप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट हरियाणा बजट 2019-20 विधानसभा में कब पेश किया गया। आपको बताना है कि हरियाणा बजट 2019-20 है वो विधानसभा में कब पेश किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 फरवरी को, 25 फरवरी 2019 को ये क्या है पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2019-20 कितने करोड़ रुपए का है। आपको बताने कि हरियाणा बजट 2019-20 कितने करोड़ रुपए का है, तो ये है 132.65 करोड़। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला कब से कब तक चला। आपको बताने कि 33वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला है वो कब से कब तक चला। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 17 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा समेत देश भर में सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए कौन सा नंबर शुरू किया गया है। आपको बताना है कि हरियाणा सहित देश भर में सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए कौन सा नंबर शुरू किया गया है, तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, 112 है टोल फ्री नंबर इमरजेंसी सेवाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवार की लड़की शादी पर कितनी सहायता राशि दी जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवार की लड़की की शादी पर कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 51,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कितने जिलों में बाल परिषद केंद्र खोले जा चुके हैं। आपको बताना है कि हरियाणा के कितने जिलों में बाल परिषद केंद्र खोले जा चुके हैं। तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 बाल केंद्र है वो खोले, बाल परिषद केंद्र है वो खोले जा चुके हैं हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा में किस फोर्स का गठन किया जा रहा है। आपको बताना है कि प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा में किस फोर्स का गठन किया जा रहा है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर्म।
फोर्स सॉरी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में पहली बार महिला हरियाणा रिजर्व पुलिस बटालियन का गठन होगा, इसके लिए कितने पद मंजूर किए गए हैं। आपको बताना है कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार महिला हरियाणा रिजर्व पुलिस बटालियन का गठन होगा, इसके लिए कितने पद मंजूर किए गए हैं। तो कितने किए गए हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी 1129 पद, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें 1129 पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राष्ट्रीय कर्मी मुक्त दिवस कब मनाया गया। आपको बताना है कि हरियाणा में राष्ट्रीय कर्मी दिवस है मुक्त दिवस है वो कब मनाया गया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 8 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2019 का आयोजन कब तक किया गया। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2019 का आयोजन कब तक किया गया, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 6 से 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, प्रदेश के किसानों व कृषक महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए HUE मार्ट वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, प्रदेश के किसानों व कृषक महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए HUE मार्ट वेबसाइट शुभारंभ कब किया गया, तो ये कब किया गया, ये किया गया ऑप्शन नंबर ए शुभारंभ सॉरी किसने किया, ये किया कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किया था। अब ये मंत्रिमंडल चेंज हो गया है, तो कृपया एक बार नए मंत्रिमंडल को देख लें। अगर आप नया मंत्रिमंडल देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, और वहाँ पे आपको हरियाणा जीके के फोल्डर नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें आप ये इसकी एक पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार कर्मचारियों की बेटे की शादी पर सगुन योजना के तहत कितनी सहायता राशि दे रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों के बेटे की शादी पर सगुन योजना के तहत कितनी सहायता राशि दे रही है, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 21,000 रुपये। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने मनोहर ज्योति नई योजना के तहत किस वर्ष तक 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है इसमें, आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है, 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किन के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना शुरू की है। आपको बताना है कि हरियाणा सरकार ने किन के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना शुरू की है, तो किन के लिए की है, इसमें ऑप्शन नंबर सी पशुओं के लिए, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने प्रदूषण और सटीक जानकारी देने वाले आधुनिक ऑटोमेटिक एनालाइजर किस देश से लिए हैं। आपको बताना है हरियाणा सरकार ने प्रदूषण और सटीक जानकारी देने वाले आधुनिक ऑटोमेटिक एनालाइजर किस देश से लिए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्ष 2019 में कितने ट्रॉमा सेंटर खोले जा रहे हैं, यानी खोले गए। आपको बताना कि हरियाणा में वर्ष 2019 में कितने ट्रॉमा सेंटर खोले गए, तो कितने खोले गए, 5। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, वो है ए, 5 ट्रॉमा सेंटर वो खोले गए 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गणतंत्र दिवस 2019 समारोह पर 26 जनवरी को किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आपको बताना है कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने गणतंत्र दिवस 2019 समारोह पर 26 जनवरी को किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया था, तो किस में फहराया था, पंचकुला में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अब की बार मुख्यमंत्री का पूछा है, तो मुख्यमंत्री ने कहाँ पे फहराया था, इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही। इसमें आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही जवाब है, भिवानी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र राजकीय
ISO सर्टिफाइड स्कूल कौन सा है? आपको बताना कि हरियाणा का एकमात्र राजकीय ISO सर्टिफाइड स्कूल कौन सा है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीवा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में एशियाड व ओलंपिक खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के गांव का विकास के लिए किस योजना से जोड़ा गया? आपको बताना है कि हरियाणा में एशियाड व ओलंपिक खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों के गांव को विकास के लिए किस योजना से जोड़ा गया है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, दीनबंधु छोटू राम ग्राम उदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाकू विमान राफेल का पहला स्क्वाड्रन देश के किस एयरफोर्स को मिलेगा? आपको बताना है कि लड़ाकू विमान राफेल का पहला जो स्क्वाड्रन है वो देश के किस एयरफोर्स को मिलेगा? तो वो किसको मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, अंबाला एयरफोर्स को, अंबाला एयरफोर्स को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तेल निगम ने हरियाणा की किस रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपये से अधिक लागत से इथेनॉल संयंत्र लगाया है? आपको बताना है कि भारतीय तेल निगम ने हरियाणा की किस रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए से अधिक लागत से इथेनॉल संयंत्र लगाया है? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत रिफाइनरी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया का टीका लगाने की केंद्र की स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपको बताना है कि निमोनिया का टीका लगाने की केंद्र की स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य है वो कौन सा बना है? तो इसका आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ही बना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में कितने साल बाद अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? आपको बताना है कि हरियाणा प्रदेश में कितने साल बाद अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 साल बाद। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना कि गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 2017 को, 12 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की ओर से किस राज्य का ई चालानिंग में अव्वल स्थान मिला? आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की ओर से किस राज्य का ई चालानिंग में अव्वल स्थान मिला है? तो किसको मिला है वो? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने हरपथ नामक मोबाइल ऐप कब लॉन्च किया? आपको बताना है कि हरियाणा सरकार ने हरपथ नामक जो मोबाइल ऐप है वो कब लॉन्च किया? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 15 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की सीमा के साथ लगती यमुना नदी किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण के लिए अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की सीमा के साथ लगती यमुना नदी की किस सहायक नदी पर किसाऊ बांध के निर्माण पर अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र वो दिया है? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टोंस नदी। टोंस नदी है, सहायक नदी है किसकी? यमुना नदी की। और कौन सा बांध बन रहा है उस पर? किसाऊ बांध, तो उसके लिए अनापत्ति पत्र प्रमाणपत्र इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि हरियाणा सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पहली बार किस चुनाव में VVPAT मशीनों का प्रयोग किया गया? आपको बताना है कि हरियाणा में पहली बार किस चुनाव में VVPAT मशीनों का प्रयोग किया गया? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जींद विधानसभा उपचुनाव में, क्या है, पहली बार वी वी
पीएटी मशीनों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस विभाग की डिजिटल टीम को स्मार्ट पुलिसिंग पहल श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, हरियाणा में किस विभाग की डिजिटल टीम को स्मार्ट पुलिसिंग पहल श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला है? तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा गुप्तचर विभाग, हरियाणा गुप्तचर विभाग को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद ने शिक्षण संस्थान के रूप में कौन से स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद ने शिक्षण संस्थान के रूप में कौन से स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया है? तो कौन से में किया है? ऑप्शन नंबर सी, 50वें, 50वें। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी पोर्टल और टोल फ्री नंबर शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपको बताना है कि साइबर सिक्योरिटी पोर्टल टोल फ्री नंबर शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है कि हरियाणा में वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी, मैच एंड कैच ऐप, मैच एंड कैच ऐप। नेक्स्ट, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने वैवाहिकी से संबंधित केसों से निपटारे के लिए हरियाणा के 7 जिलों में कौन सी कोर्ट खोली है? पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने वैवाहिकी से संबंधित केसों से निपटारे के लिए हरियाणा के 7 जिलों में कौन सी कोर्ट है वो खोली है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचार्य जज फैमिली कोर्ट, प्राचार्य जज फैमिली कोर्ट। नेक्स्ट, किस देश में मुर्रा नस्ल सुधार में हरियाणा के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश में मुर्रा नस्ल सुधार में हरियाणा के साथ सहयोग करने के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या है कि हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं वो किए हैं ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील ने, ब्राजील ने किए हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस नदी के पुनर्गठन और इसमें ताजे पानी के नियमित प्रवाह को बनाए रखने हेतु परियोजना को मंजूरी दी गई है? आपको बताना है कि हरियाणा सरकार ने किस नदी के पुनरुत्थान और इसमें ताजे पानी के नियमित प्रवाह को बनाए रखने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने सरकारी महकमों द्वारा हरियाणा में जारी होने वाले पत्रों को किस भाषा में करने का नियम लागू किया है? आपको बताना है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी महकमों द्वारा हरियाणा में जारी होने वाले पत्रों को किस भाषा में करने का नियम लागू किया है? तो किसको लागू किया है? हिंदी में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने आधार कार्ड के बारे में जागरूक करने के लिए किस नाम से अभियान चलाया है? आपको बताना है कि हरियाणा सरकार ने आधार कार्ड के बारे में जागरूक करने के लिए किस नाम से अभियान है वो चलाया है? तो किस नाम से अभियान को चलाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसको चलाया है? ऑप्शन नंबर सी, आधार रथ, आधार रथ नामक अभियान है वो चलाया है आधार कार्ड के बारे में जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस द्वारा जनता के सम्मान को बनाए रखने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? आपको बताना है कि हरियाणा पुलिस द्वारा जनता के सम्मान को बनाए रखने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो इसमें आपका ऑपरेशन नंबर बी, ऑपरेशन श्रीमान, ऑपरेशन श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के भूतपूर्व सरपंच को प्रति महीने कितने पेंशन देने का ऐलान किया गया है? आपको बताना है कि हरियाणा के भूतपूर्व सरपंच को प्रति महीने कितनी पेंशन देने का जो अभियान है वो शुरू किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1000 रुपये, 1000 रुपये। नेक्स्ट, हरियाणा में पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता 1800 रुपये से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? आपको बताना है कि हरियाणा में पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता 1800 रुपये से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, 2800 रुपये, 2800 रुपये कर दिया गया है 1800 रुपये से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से महेंद्रगढ़ जिले तक बनने वाले नए राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम
क्या रखा गया है। आपको बताना कि हरियाणा के कुछ क्षेत्र से महेंद्रगढ़ जिले तक बनने वाले नए राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है वो क्या रखा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, NH 152D। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। आपको बताना कि हरियाणा गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा बनाया है, 52वां ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब वो सी है, 52वां दिवस मनाया है। नेक्स्ट, हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप वो शुरू की है। तो कौन सी शुरू की है वो की है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विश्व औषधीय वन परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया। आपको बताना है कि हरियाणा में विश्व औषधीय वन परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो कहां पर किया गया, मोरनी हिल्स में, ऑप्शन नंबर आपका कहां पे है सी, मोरनी में किया गया ये, ऑप्शन नंबर सी। 425 सेवाएं वह योजना एक ही छत के नीचे प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। आपको बताना है कि 425 सेवाएं एक ही योजनाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य बना है, तो कौन सा बना है, ये बना है हरियाणा, ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार सभी सरकारी योजनाओं व अन्य योजनाओं के लिए किस प्रकार की विशेष आईडी बनाने पर विचार कर रहा है। आपको बताना है कि हरियाणा सरकार सभी सरकारी योजनाओं व अन्य योजनाओं के लिए किस प्रकार की विशेष आईडी बनाने की तैयारी कर रहा है, फिर विचार कर रहा है, तो किस प्रकार की, फैमिली आईडी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, फैमिली आईडी बनाने पर विचार कर रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिलों में एसटीएससी मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी। आपको बताना है कि हरियाणा में कितने जिलों में एससीएसटी मामलों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट, दिल्ली रेवाड़ी अलवर रैपिड रेल को किसने मंजूरी प्रदान की है। आपको बताना है दिल्ली रेवाड़ी अलवर रैपिड रोल को किसने मंजूरी प्रदान की है, तो किसने की है, इसमें ऑप्शन नंबर बी, एनसीआरटीसी ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत हरियाणा में महिला शक्ति केंद्र किस स्तर पर खोले जाएंगे। आपको बताना है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत हरियाणा में महिला शक्ति केंद्र किस स्तर पर खोले जाएंगे, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांडाखेड़ी में बनने वाले मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र का शिलान्यास किसने किया। आपको बताना है कि खांडाखेड़ी में बनने वाले मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र का शिलान्यास किसने किया, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट, गुड़गांव जो कि वर्तमान में गुरुग्राम बोला जाता है, कादरपुर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एकेडमी में अधिकारियों के 50वें बेंच के दीक्षांत परेड में किसने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में कौन सी गीता जयंती मनाई गई। आपको बताना है वर्ष 2018 में कौन सी गीता जयंती है वो मनाई गई, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5156वीं गीता जयंती मनाई गई। नेक्स्ट, कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर विस्टा डोम ट्रांसपेरेंट कोच वाली ट्रेन कब से दौड़ने लगी है। आपको बताना है कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर विस्टा डोम ट्रांसपेरेंट कोच वाली ट्रेन कब से दौड़ने लगी है, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 दिसंबर 2018 को किसानों के लिए किस नई योजना की घोषणा की? आपको बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 दिसंबर 2018 को किसानों के लिए किस नई योजना की घोषणा की? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क मार्ग। मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार पाने वाले योग्य युवाओं की रैंकिंग में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? रोजगार पाने योग्य युवाओं की रैंकिंग में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, देश में कौन सा किया है? इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, सॉरी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में किस योजना के तहत उपभोक्ताओं को होम सोलर सिस्टम प्रदान किया जाएगा? आपको बताना है हरियाणा प्रदेश में किस योजना के तहत उपभोक्ताओं को होम सोलर सिस्टम है वो प्रदान किया जाएगा? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत, मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, देश के इतिहास में पहली बार किस राज्य के नगर निगम के चुनाव में ईवीएम पर नोटा का इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको बताना है कि देश के इतिहास में पहली बार किस राज्य के नगर निगम के चुनाव में ईवीएम पर नोटा का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट जीके के 60 क्वेश्चन है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको करवाए हैं, जो कि एचएसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए आगामी में होने वाली है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं अगर आपने इनको ध्यान से लगाया है। तो इनको एक बार अभी लगाया है और एक बार इनको क्या है और लगाएं कभी आप जब आप खाली टाइम में बैठे हो तब, तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट ले। ये इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको हमारी इस 27वीं क्लास में आपको करवाए हैं। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका रिप्लाई वो जल्द ही आपको प्राप्त हो जाता है, तो जैसी भी आपकी क्वेरी हो इस जॉब से संबंधित हो या फिर कोई अन्य जॉब से हो, तो आपके नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।